भारी कर्जे में डूबा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये कलाकार 34 दिनों से नहीं खाया है भरपेट खाना, कहा अब थक चुका हूँ। कौन है वो कलाकार, आइए आपको बताते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाकर मशहूर हुए कलाकार गुरुचरण सिंह ने हाल ही में अपने जीवन में आए कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात कही। 22 अप्रैल 2024 को लापता हुए गुरुचरण सिंह 18 मई को अपने घर लौट आए थे। उनके अचानक गायब होने की घटना ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया था। उस वक्त खबरों में आ रहा था कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अब खुद गुरुचरण सिंह ने बताया कि वो बहुत बड़े आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में गुरुचरण सिंह ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपने खान पान में भी कटौती करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, आज 34वां दिन है जब मैंने भरपेट भोजन नहीं किया है। कुछ जगहों पर जैसे गुरुजी के आश्रम में जाता हूँ जहाँ पाठ होता है, सोमवार को वहाँ समोसा, ब्रेड पकौड़ा और चाय मिलती है तो वही खा लेता हूँ। गुरुचरण सिंह ने खुलासा किया कि तारक मेहता सीरियल छोड़ने के 4 सालों के बाद भी वो बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया, सभी के सामने काम मांग के देख लिया मगर किसी ने काम नहीं दिया और अब मैं थक चुका हूँ। अब मुझे अपनी कमाई की जरूरत है ताकि मैं खुद का और अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रख सकूं और अपना कर्जा चुका सकूं। मेरे ऊपर बैंक और EMI का लगभग 55 से 60 लाख रुपए का कर्ज है और दोस्तों रिश्तेदारों से भी लगभग इतनी ही रकम उधार ली है। कुल मिलाकर मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। आपको बता दें, गुरुचरण सिंह ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाकर काफी शोहरत हासिल की थी। हालांकि 2008 से लेकर 2020 तक 12 सालों तक सीरियल में काम करने के बाद गुरुचरण सिंह ने तारक मेहता का सीरियल छोड़ दिया था।